हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आई एम टुडे एट एसके ऑटो केयर। आज का डेट मैं भूल गया, शायद 10th मार्च है। सॉरी, ये इन सब चीज़ों में थोड़ा भुलक्कड़ हूँ मैं। तो थंबनेल पे से आपको पता चल गया रहेगा, सुशांत के पास आई हुई है उनके एक दोस्त के दोस्त की जावा। यस, एक जावा आ चुकी है ऑलरेडी, एंड उसका हम कर रहे हैं चेंज, पॉकेट चेंज। तो प्रोसीजर मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, मैं एक्चुअली लेट आया यहाँ पे, काम स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो मैं दिखाता हूँ इन्होंने क्या क्या खोला है, क्या चेंज किया है, कॉस्ट क्या क्या रहेगा, लेबर क्या रहेगा। तो बने रहिए चैनल पे। जावा, दिस विल बी फर्स्ट ऑन माय चैनल एंड आई एम हैप्पी टू पोस्ट दिस फॉर एसके ऑटो। ये सुशांत भाई ने न्यू ब्रांड रोल ऑन का किट लाया है। इट हैज गॉट दी चेन एज वेल एज प्रॉकेट। इट इज अ स्ट्रेट फिट फॉर जावा। 3200 का है ये, एसके ऑटो केयर पे आपको 3200 का गिरेगा। प्लस फिटिंग सुशांत भाई की 350 रुपीज फिटिंग इसका लगेगा फॉर योर जावा बाइक्स। एंड ये ओल्ड बेयरिंग रिप्लेस हो रहे हैं। अपने हरीश भाई काम पे लग गए हैं, बहुत मेहनत करते हैं हरीश भाई। एंड ये कुछ इसके हब बेयरिंग्स, हब रबर ऐसे दिखते हैं। शायद हब रबर चेंज नहीं हो रहा है। और जावा को खोलने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, डोमिनर की तरह पूरा स्विंग आर्म वगैरह नीचे उतारना नहीं पड़ता, एक्सेल उतारो ट्रेडिशनल वे की तरह, एंड डिस्क वगैरह सेपरेट करो, यहाँ से सब सेपरेट करो, एंड योर रेयर स्प्रॉकेट विल बी आउट। एंड देन चेन के लिए आई थिंक यहाँ से ये पैनल खोलने पे योर चेन कैन कम्प्लीटली कम आउट। तो ये थोड़ी देर में ये सब प्रोसीजर हम देखते हैं कैसे क्या क्या होने वाला है। ये हो रहा है उद्घाटन। बॉक्स के अंदर बॉक्स That's the chain and ये sprocket, front pocket, chain में। अच्छा, इसी के अंदर front pocket इधर है। दिखने को ये almost same दिखता है and fitting भी आपको दिख रही है कि it is ditto same। and ये 45 teeth है? हाँ, 45 teeth है। okay, cool। तो this is also 45 teeth, okay? And the new one is also 45 teeth। ये रही चेन, रेगुलर चेन है, ब्रास वाली चेन नहीं है, क्लोज चेन है, देर इज नो लॉक टू इट, किधर भी लॉक नहीं है, क्लोज चेन है। ये रही छोटा सा स्प्रॉकेट, एंड दिस इज 13T है ना? हाँ, 13T है ये, नंबर 13 लिखा हुआ है उस पर। ये गाड़ी टेढ़ा करके हरीश भाई ने टायर निकाल दिया पीछे का, फर्स्ट टाइम खुल रहा है इनका टायर। अभी का हमारा एस्टिमेट है कि यू हैव टू ओपन दिस बोल्ट ओवर हियर, इसको थोड़ा सा लूज करेंगे सेंटर एक्सल को, इस बोल्ट को निकालेंगे, साइलेंसर को सेपरेट करेंगे। ये चार बोल्ट निकलने के बाद, लूज होने के बाद, चेन शुड स्लाइड आउट फ्रॉम हियर। पहले पैनल खोलेंगे। ये सब यूज़ हो चुका है, यहाँ से चेन बाहर आ जाएगी। ये बोल्ट भी निकाल चुके हैं, लेकिन ये जो फुटरेस्ट है ये ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा लूज़ करना है। ये लूज़ करने के लिए भाई साहब लोग ने दिया है बोल्ट एकदम अंदर। ओके, वो देखो उधर जाके अंदर है एकदम। चलेगा ना जो ब्लॉक बना दो उधर? हेलो, सो बाइक इनकी है, आपका नाम? आई एम चिराग बापना। चिराग बापना, आई एम ऑन इंस्टाग्राम एज सोलो मोटरसाइकिलिंग, ऑल द बाइक्स एडवेंचर्स आर ऑन राइट देयर, सोलो मोटरसाइकिलिंग। तो इनका मैं इंस्टाग्राम, आई लीव इट इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, जरूर फॉलो कीजिएगा। तो ये हो गया है हमारा एक्सेल लूज अभी, एंड अब चेन बाहर आ जानी चाहिए। आपको वो बोल्ट मैं फिर से दिखाता हूँ थोड़ी देर में। सो वी हैड फाइनली टू रिमूव, पूरा एक्सेल निकालना पड़ा। ये है एक्सेल बाइक का, आई मीन दिस इज द एक्सेल पार्ट, सॉरी, ये एक्सेल है जस्ट दैट गोज इन हियर ऑन द स्प्रिंग आर्म। तो वो पूरा निकाल दिया, चेन को ज़्यादा डैमेज ना करे, है ना, ज़्यादा मोड़ छोड़ करके ना निकालना पड़े इसलिए। एंड नाउ इट इज़ गोइंग बैक, यू कैन सी। ये हमारे हरीश भाई एक्सपर्ट कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल ही लेते हैं। अच्छा, हाँ, वो चेंज करना है, करेक्ट, स्पॉकेट चेंज करना है, तो यहीं पे छोड़ देंगे। और ये हो गया पार्ट स्विंग आर्म का, एक्सेल विल गो बैक। पहले डालेंगे बुश पे डालना पड़ेगा।
बुश पे डालेंगे ग्रीस पहले, ऑलवेज लूप थिंग्स एंड देन पुट इट बैक। अगर खुला है कुछ तो उसको अच्छे से लूप करके डालो, लाइफ बढ़ जाएगी। तो ये जा रहा है एक्सल एंड सेंटर एक्सल और द मेन फाउंडेशन एंड फुटरेस्ट वापस जगह पे जा रहा है। थोड़ा टीडियस काम है, पेशेंस से करना चाहिए। ये गया अंदर, इतना अंदर जाके बोल्ट है या अपन हेलमेट लगाना है। ये गिर गया फिर से, थोड़ी तकलीफ होगी बट पेशेंस से डालना है अंदर। इस साइड पे उन्होंने ये कवर बीच में दे दिया है। तो आइडली यू शुड जस्ट लूजन दिस वन, ये भी लूज करने की जरूरत नहीं। ये निकालो, ये पूरा चेन कवर निकालो एंड योर इसको थोड़ा सा ऊपर करो एंड चेन वहां से स्लाइड होके बाहर हाथ जाते बाहर आ जाती है। स्विंग आर्म वगैरह जो हमने निकाला था हमने वापस फिक्स कर दिया है। बहुत डिफिकल्ट होता है फिक्स करने को क्योंकि यहाँ पे बोल्ट हार्ड डालने को इधर जगह नहीं है। जो नट यहाँ पे दिया है उस बजाज ने, सॉरी जावा ने, ये जो नट आपको अंदर दिख रहा है, सो हाँ दिस पर्टिकुलर नट विच इज इनसाइड यू डोंट गेट एक्सेस बिकॉज ये जो है इंजन केसिंग है पूरा, तो यू कांट रिमूव दिस ईजिली। आपको पूरा ऑयल ड्रेन करना पड़ेगा, यू विल रिक्वायर अ क्लच साइड कवर एंड ऑल एवरीथिंग। तो ये झंझट में मत पड़ना, ये साइड का बोल्ट बेल्ट निकालना मत, ये सब मत करना। ओनली रिमूव इट, रिमूव दिस साइड के ऊपर के बोल्ट्स एंड देन डू इट। स्प्रॉकेट नया वाला लग चुका है एंड अब जा रहा है यहाँ का कवर। यस ऐसे फाइनली द टायर इज गोइंग बैक। स्पॉकेट सुशांत ने चेंज कर दिया था। इसका एक्सेल टायर रिम वगैरह सब बैठ चुका है। अब कर रहे हैं इसके ब्रेक पैड चेंज। तो ये सुशांत डोमिनर से रेयर ब्रेक पैड्स हैं। सो ये डोमिनर 2017-18 के रेयर ब्रेक पैड्स हैं विच मैच दी कहाँ गए इसके ओरिजिनल कहाँ गए सेम। तो ये जो है नंबर भी सब चेंज है। ये जो है जावा के ओरिजिनल है ओके, एंड ये है डोमिनार का। मैन्युफैक्चरिंग नंबर इम्बर सब कुछ सेम है, सिर्फ लेआउट थोड़ा सा अलग है। लेआउट भी अलग नहीं है, पूरा सेम है। तो डोमिनार के रेयर ब्रेक पैड्स जावा में बैठ जाएंगे, जावा के रेयर ब्रेक पैड्स डोमिनार के मिल जाएंगे। बट दिस इज डोमिनार ABS वर्जन के ब्रेक पैड्स हैं। गाड़ी हो गई है कम्प्लीट, सुशांत भाई ने एक टेस्ट राइड ले लिया है, ब्रेक पैड चेंज किए, चेंज पॉकेट चेंज किया फ्रंट रेयर, एंड आपको थोड़ी देर में अभी मैं इसका बिल बता देता हूँ। चिराग इज टेकिंग इट फॉर अ स्मॉल टेस्ट राइड, चेकिंग इट फर्स्ट बिफोर गोइंग आउट। तो गाइज ये रहा बिल वंस अगेन, चेंज पॉकेट 3200 ओके, रेयर पॉकेट बेयरिंग 117, रेयर ब्रेक पैड्स 238 एंड फिटिंग 350, टोटल हो गया चिराग भाई का 3905। Now, those who have got this work done with the showroom, please let me know your costs in the comments so that we come to know which is good or which is expensive, which is cheaper and all. And ये रहा इसके ऑटो कार का number if you want to get come down and get your work done. Of course, मैं video के description में इनका location डाल दूंगा so that you can come down. मेरे RTR का भी काम यहीं पर हो रहा है, we are doing a oil change, इसका video अलग रहेगा तो मेरे channel पर आप देख लेना। And those who haven't seen SK Auto Care Java के लिए जो first time देख रहे हैं उनको अगर पता नहीं है कहाँ पे आना है, so this is at वाकड़ पुलिस जो stay होता है उनके exactly सामने है ये SK Auto Care, इसका मैं location छोड़ दूंगा। आपको ये video कैसे लगा बताना मुझे comments में। If you find it really useful, you know, कुछ भी अगर पसंद आ रहा है आपको तो like hit करना ज़रूर भूलिएगा नहीं। And also do subscribe to my channel and do share this video in your friends, those who would wanting, you know, quality service at budget rates.